तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। तो गाइज, अगर आप भी 200 सीसी में एक ऑफ रोडिंग बाइक अगर खरीदना चाह रहे हैं तो ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ना, एक्सपल्स 4V एडिशन में 200 सीसी के साथ ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के बेसिकली फीचर्स की। पहले से भी ये गाड़ी था, लेकिन उसमें क्या था कि 2 वाल्व था। इसका जो इंजन है इसमें 2 वाल्व था, लेकिन ये जो गाड़ी 2023 में जो अपडेट होकर आई है ना, इसमें अब आपको 4V आता है, यानी एक्सपल्स 4 वाल्व। 4 वाल्व में यानी 4 वाल्व के साथ ये गाड़ी अब आपको देखने को मिल जाती है। तो आज के इस वीडियोस में इस गाड़ी का मैं ऑन रोड प्राइस बताऊंगा आपको और बाकी सारा फीचर्स बताऊंगा कि कौन कौन से बेस्ट फीचर्स आपको ये गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ ना कि ये जो गाड़ी है ना, स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए है। अगर आपका हाइट 5 फीट, 5.5 फीट या फिर 6 फीट के आसपास होगा तभी आप इस गाड़ी पर जाइएगा, क्योंकि इसका जो गाड़ी का जो सीट हाइट है ना, वो 825 mm का इस गाड़ी का सीट हाइट है, जबकि जनरली जितनी भी गाड़ी है वो 780 mm की होती है, लेकिन ये गाड़ी का जो सीट हाइट है ना, वो आपको 825 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले इसका फ्रंट का साइड में। तो फ्रंट साइड में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो विंडशील्ड देख रहे हैं, ये फुल्ली आपका एडजस्टेबल विंडशील्ड देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर फ्रंट की मैं लाइट के बारे में बात कर लूँ तो ये जो 2 DRLs देख रहे हैं ये आपको फुल्ली LED के सेटअप में मिलता है, और ये जो लाइट है ना ये भी आपको फुल्ली LED के सेटअप में ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए मैं एक बार इसके एग्जॉस्ट को ऑन करता हूँ और इसके बाद इसका मैं आपको एक बार लाइट चेकआउट करा देता हूँ। तो ये जो चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये फुल्ली LED के सेटअप में इसका लाइट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे इंडिकेटर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं ये भी आपको बल्ब में देखने को मिलता है, यानी इसका जो हेडलाइट है वो LED में मिलता है, और इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको बल्ब में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ गाड़ी का जो फ्रंट का फेंडर है वो आपको रेड कलर के फिनिशिंग में विथ ब्लैक का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त यहाँ से एक लुक प्रोवाइड करता है ऑफ रोडिंग के लिए। साथ ही साथ फ्रंट का जो सस्पेंशन है ना, वो आपको टेलीस्कोपिक का फ्रंट फोर्क का 37 mm डायमीटर का ये सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा विथ एंटी फ्रिक्शन बूस। ये जो एंटी फ्रिक्शन बूस है ना, वो भी अभी एवेंजर में भी आया है स्ट्रीट 160 में, बाकी जितने भी ऑफ रोडिंग गाड़ी है उसमें ये 160 आपको देखने को मिल जाता है, 160 cc के जैसा। ये एक्सपल्स 4V में भी एंटी फ्रिक्शन बूस के साथ इसका फ्रंट का टेलीस्कोपिक मिल जाता है। इसके साथ साथ फ्रंट का जो टायर है वो काफ़ी बड़ा टायर मिलेगा, 21 इंच का इसका टायर है, और वहीं मैं प्रोफाइल की बात कर लूँ तो 90x90 का 21 इंच का ये जो टायर का चौड़ाई है वो आपको 90 इंच का देखने को मिलता है। साथ ही साथ सिंगल चैनल ABS ये गाड़ी है, यानी इसमें सेफ्टी का अगर ख्याल की मैं बात करूँ तो सिंगल चैनल ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS नहीं मिलता है। इसके साथ साथ 276 mm की डिस्क ब्रेक की डायमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं मैं बात कर लेता हूँ कि इस गाड़ी की इंजन क्या होने वाली है, क्योंकि भाई अगर इस गाड़ी को कोई खरीदेगा ना तो वो बंदा स्पेशली इस गाड़ी के ऑफ रोडिंग के लिए ही खरीदेगा। तो ऑफ रोडिंग में इसका इंजन कैसा है वो चीज़ मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। तो इस गाड़ी का जो इंजन है वो आपको 199 cc का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। इस गाड़ी में आपको एयर कूल्ड इंजन नहीं मिलता है, और एक डिमेरिट इस गाड़ी का ये भी है जो कि मैं वीडियोस के बीच में बताऊंगा, ये एक डिमेरिट के चलते इस गाड़ी का मार्केट वैल्यू अभी थोड़ा सा डाउन है। तो सबसे पहले इंजन ही जानते हैं, 199 cc का ऑयल कूल्ड इंजन जो कि 4 स्ट्रोक 4 वाल्व के साथ, जैसा कि यहाँ पर देख रहे 4 स्ट्रोक 4 वाल्व के साथ सिंगल सिलेंडर में इसका इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात कर लूँ तो 19 PS की इसकी मैक्सिमम पावर है, जो कि 8500 RPM पर वर्क करती है, और 17.35 न्यूटन मीटर के इस गाड़ी की मैक्सिमम टॉर्क है जो कि 6500 RPM पर वर्क करती है। इसके साथ साथ जब इंजन 200 cc का है तो ये गाड़ी का माइलेज क्या है, तो अगर मैं बात कर लूँ इस गाड़ी के सिटी में माइलेज की तो 50 से 51 किलोमीटर प्रति लीटर की ये माइलेज देती है। और वहीं मैं बात कर लूँ इस गाड़ी की हाईवे पे क्या माइलेज है, तो हाईवे पे आपको ये गाड़ी 42 से 45 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी गियर की, तो 5-speed टॉप गियर बॉक्स के साथ इसकी गियर है। और वहीं सेफ्टी में अगर मैं बात कर लूँ तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल इस गाड़ी की मैं लेंथ की बात कर लूँ तो 222 mm की इस गाड़ी की टोटल लेंथ है। टोटल वेट के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो 158 kg की ये गाड़ी की वेट है, यानी
ये जो गाड़ी का कर्व वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 158 केजी है, जिससे होगा क्या कि अगर आप इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग में ले जा रहे हैं तो काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी ईजी वे में इस गाड़ी को आप चला सकते हैं। इसी के साथ साथ इसकी मैं बदलाव के बारे में बात कर लूँ तो ये जो कलर देख रहे हैं वो अभी बिल्कुल न्यूली लॉन्च स्पॉट्स रेड कलर आप हमारे सामने ये जो गाड़ी देख रहे हैं वो लग गई है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसका ऑयल टैंक। ये जो पेट्रोल टैंक है, पेट्रोल टैंक का कुछ ग्राफिक्स आप यहाँ पे देखेंगे, एक्सपल्स का यहाँ पे ब्रांडिंग काफ़ी स्टिकर में काफ़ी शानदार लगा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ गार्ड आपको यहाँ पे ऑयल टैंक का गार्ड्स देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इस साइड से अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपल्स का और टोटल फ्यूल की मैं कैपेसिटी की बात कर लूँ तो 13 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। और वहीं इसकी रियर की सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मोनोशॉक का सस्पेंशन आपको यहाँ पर दे देगा कंपनी, जो कि रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म मोनोशॉक का सस्पेंशन भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ BS6 की गाड़ी है तो कैटलिटिक कन्वर्टर तो बनता है, यहाँ पे कैटलिटिक कन्वर्टर मिलता है। और ये जो चीज़ यहाँ पे देखेंगे ना, इसकी ऑफ रोडिंग को बेहतरीन करने के लिए ये जो चीज़ यहाँ पे प्लेट लगाया गया, इससे इंजन में इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 220 mm की इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ एग्जॉस्ट की मैं बात कर लूँ तो एग्जॉस्ट भी देख सकते हैं कि काफ़ी ऊपर आपको इस गाड़ी में एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। रियर की टायर साइज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको ये गाड़ी में 120x80 का 18 इंच का रियर का टायर साइज़ देखने को मिलता है। और वहीं मैं फ्रंट की टायर साइज़ के बारे में बात कर लूँ तो 21 इंच का आपको यहाँ पे मिलता है। और ब्रेक डायमीटर की अगर मैं बात करूँ तो 220 mm की आपको इस गाड़ी में ब्रेक डायमीटर भी देखने को मिल जाती है। वहीं मैं बात कर लेता हूँ कि इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस क्या होने वाली है, तो 138,496 रुपये डाल्टनगंज में इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगी। और चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसका जो फुली मीटर कंसोल है ना, वो बिल्कुल डिजिटल मीटर कंसोल है। अब इस डिजिटल मीटर कंसोल में कौन कौन से फंक्शन है वो मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इसमें राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे। अब राइडिंग मोड्स के साथ साथ मैप नेविगेशन भी मिलते हैं, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग में ले जाते हैं तो आपके लिए मैप नेविगेशन भी बहुत ज़रूरी है। ऊपर से मैंने सबसे पहले बताया एडजस्टेबल विंडशील, क्लॉक के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, लेफ्ट हैंडल बार में बात कर लो तो पास लाइट जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न सिंगल टाइप का, सेल्फ का ऑप्शंस और इंजन किल स्विच भी आपको यहीं पे मिलता है। इसके साथ साथ ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप्स के इसके डिजिटल मीटर कंसोल मिलते हैं, जैसे ही ऑन करेंगे तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, स्पीड का RPM, यहाँ पे ट्रिपोमीटर, एवरेज मीटर, टाइम, डेट सभी कुछ मिल जाते हैं। और ऊपर में अगर इंडिकेटर की बात करें तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है, इंडिकेटर का ऑप्शन, न्यूट्रल, ABS क्योंकि सिंगल चैनल ABS का ये गाड़ी है, और इंजन मालवेयर फंक्शंस। और ये 2 बटन मिलते हैं जिससे आप इसके पूरे मीटर कंसोल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी इस गाड़ी के सबसे बेस्ट फीचर्स। बाकी मैं बात कर लूँ कि इस गाड़ी की एक्स शोरूम तो 138,496 रुपया, ओवरऑल मैं इसकी बात कर लूँ व्हील बेस की तो ये चक्का से ये चक्का तक का जो डिस्टेंस है वो 1410 mm की इस गाड़ी की आपको डिस्टेंस मिलेगी। और मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के सबसे बेस्ट फीचर्स की तो ये जो गाड़ी है ना, मार्केट में होंडा CB200X का बिल्कुल कॉम्पिटिटर निकल कर आ रहा है, क्योंकि वो भी ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है और ये भी ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको पता होना चाहिए कि पर डे गाड़ी से रिलेटेड जानकारी मिलते रहती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।